हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मौसम की जानकारी के बारे में, कहाँ पर बारिश होगी, कहाँ पर बारिश नहीं होगी, किस एरिया में किस टाइप का मौसम रहेगा, उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। हम दो तरीके आपको बताएंगे मौसम की जानकारी, एक स्पष्ट और एक सटीक तरीके से मौसम का अनुमान लगाने के लिए। कैसे हम देख सकते हैं, कैसे सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ गूगल में, और वहाँ पर हम सर्च करेंगे एक वेबसाइट। गूगल ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर एक वेबसाइट सर्च करता हूँ, ACCU, और उसके बाद वेदर, ACCU वेदर टाइप करते हैं और हम सर्च कर सकते हैं। ये वेबसाइट ओपन हो गई है, इसको हम खोलेंगे। यहाँ से मैं इस वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ। जैसे ही इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया है, अब आप अपने एरिया में किस टाइप का वेदर रहेगा उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक सैटेलाइट का ऑप्शन आएगा, इंडियन सैटेलाइट। अब अपने को इंडिया सैटेलाइट को ओपन करना है। यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक सैटेलाइट इमेज शो हो रही है जो आज के वेदर के बारे में हमें जानकारी दे रही है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ का जो वेदर है, वहाँ हम वेदर की जानकारी कैसे पता करेंगे वो यहाँ पे थोड़ा हम सीखेंगे। तो इस वेदर को हम जूम करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जूम किया है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कैसे वेदर सर्च करेंगे। मैं राजस्थान के मैप पे आ सकता हूँ और यहाँ पे जोधपुर पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जोधपुर नज़र आने लग गया है। अब आप इस वेदर को यहाँ से, जो ये प्ले बटन है, इसको प्ले करेंगे और इस वेदर को यहाँ से चलाएंगे, तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये वेदर अपने यहाँ पे ये रनिंग हो रहा है, इस तरफ ये जा रहा है। आप देख सकते हैं जोधपुर से आगे, ये जयपुर से जोधपुर की तरफ ऐसे आ रहा है। और यहाँ जो आपको यहाँ पे ये रेड रेड ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे मतलब ये वेदर ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ पर बारिश का ये बता रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि आपके एरिया में मौसम कैसा रहने वाला है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, एक ऑप्शन आ रहा है वाटर वेपर, इस पे हम क्लिक करेंगे वाटर वेपर पे। अब वाटर वेपर में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे वाटर वेपर कुछ इस तरीके आ रहा है। यहाँ पे हम जूम करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वेदर, मतलब इंडिया में इस टाइप का वेदर यहाँ पे अभी चल रहा है, जो वाटर वेपर अपन ऑप्शन में अपने क्लिक किया है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से ये वेदर चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप अनुमान लगा सकते हैं कैसा ये वेदर रहने वाला है। और भी थोड़ा देखते हैं, यहाँ पर विजिबल का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर भी हम देख सकते हैं यहाँ पे जूम करके। तो यहाँ पे भी थोड़ा हमें मालूम चलेगा कहाँ पर ज़्यादा बादल छाए रहेंगे, वो थोड़ा आप यहाँ पे मैप में जूम करके यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं। ये हुई वेदर की बात। अब एक और तरीका है अपन अपने एरिया के वेदर के बारे में कैसे अनुमान लगा सकते हैं, तो उसका सिंपल तरीका है, आप जो गूगल सर्च करते हैं उसको अपन ओपन कर लेते हैं। क्लिक करा, अब यहाँ पे ये लोकेशन मांग रहा है, क्लिक करते हैं तो आने वाले 10 दिन में वेदर किस टाइप का रहने वाला है वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये ह्यूमिडिटी इंडेक्स कितना है और बारिश की संभावना कितनी है। यहाँ पे देखिए 26 जुलाई को 30% बारिश की संभावना ये यहाँ पे बता रहा है ये वेदर। तो इस तरीके से आप यहाँ भी वेदर का अनुमान लगा सकते हैं गूगल के वेदर से। ये गूगल का सिस्टम है, तो आप अपने मोबाइल में इस तरीके से अच्छी तरीके से आप अपने एरिया के वेदर का अनुमान लगा सकते हैं। तो हमने सीखा कि भाई सैटेलाइट इमेज से कैसे अपने वेदर के बारे में जानकारी ले, और गूगल के जो वेदर का सिस्टम है उसमें कैसे पता लगाए। तो इस तरीके से अपन अपने एरिया के मौसम के बारे में कुछ पूरा अनुमान लगा सकते हैं। तो
तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।